हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। टेलीविजन आप फायर देखी है आपने, फायर एंगल भी देख लिया क्लास में। अब इसकी आइडेंटिफाई, इसको पहचानने का तरीका क्या है? जिसमें देखिए सब फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाले, लेकिन ये अलग अलग फायर के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, पानी वाला आप इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर मारोगे क्या? नहीं मारोगे। तो देखिए ये है वाटर टाइप गैस कार्टी एक्सटिंग्विशर, इसका नाम क्या है? वाटर टाइप गैस कार्टी एक्सटिंग्विशर, गैस कार्टी एक्सटिंग्विशर, जिसमें गैस कार्टिज रहती है उसमें ये ब्लैक कलर का स्क्वीज ग्रिप देखा आपने, हैंडल जो होता है इसका ब्लैक कलर का रहेगा, जिसमें गैस कार्टिज रहेंगी। गैस कार्टिज यानी ये वाले CO2 गैस कार्टिज, कितने ग्राम की है? 60 ग्राम। और पानी के लिए कितना लगाएंगे आप? 60 ग्राम। कितने लीटर पानी आता है इसमें? 9 लीटर। ठीक है, तो गैस कार्टिज के ऊपर में इसका फुल वेट लिखा रहता है और एम्प्टी वेट लिखा रहता है। ये देखिए इधर में फुल वेट और एम्प्टी वेट, ये देखिए पास करते रहे, देख लीजिए यहाँ पर एम्प्टी वेट क्या? एम्प्टी वेट खाली वेट, खाली एम्प्टी वेट है, एम्प्टी वेट है, एम्प्टी, ये एम्प्टी, इसका मतलब खाली का वेट है। तो ये आपको ऐसा ऐसा हाथ से पता नहीं चलेगा खाली है या फुल है। ठीक है, इसका वेट मशीन पे वेट करना पड़ता है, जो का होगा तो सोना का जाकर जब जाएंगे सोना वाला तोलता है ना पहले कितना है, उस तरह का तोलते देखते ना, उस तरह का मशीन रहता है उसमें तोलते हैं, यहाँ पर मशीन भी दिखाया जाएगा अंदर आप। ठीक है, ये हो सकता है इसका सील बंद है तो भी हो सकता है खाली, कभी कभी गैस के रिलीज हो जाती है। जब भी यूज करना है चलाने के लिए यूज करना है इसका पहले वेट करना है वेट मशीन पे। ठीक है, तो ये फुल वेट है, जैसे इसका फुल वेट है 410 और इसका फुल वेट है 470 और एम्प्टी वेट है 410। 470 में से 10 निकाल लीजिए तो ये 60 ग्राम का गैस होता है इसमें, CO2 गैस। ठीक है साहब, इसके बारे में समझ में आएगा अभी? और ये चलता किसमें? ये क्लास फायर में, ये क्लास फायर किसमें इसमें आता है? सॉलिड मटेरियल, लकड़ी, कागज, लकड़ी हुआ, कागज हुआ, घास, प्लास्टिक, ये क्लास के ऊपर में यहाँ पर लिखा भी होता है। देखिए देखिए बी और सी के लिए काट दिया गया, ये क्लास के लिए। ठीक है, इसको खोल के देखते हैं इसमें होता क्या क्या। कार्टिज रिफिल करके दिखाएंगे ना, कार्टिज का रिफिल नहीं होगा साहब, कार्टिज तो कंपनी में रिफिल होता है, इसको रिफिल करके दिखाएंगे एक्सटिंग्विशर को। ये कार्टिज है ना, यहाँ रिफिल नहीं होता है, ये कंपनी करेगी ना, करेगी उसको ठीक है, ये इसका पाना होता है, ये इसके अंदर कार्टेज रहता है। वीडियो ज़्यादा MB की होगी तो WhatsApp में नहीं जाएगी, 250 MB नहीं होगी, इसको वो कम कर दो ना, रेजोल्यूशन कम कर दो, नहीं होगा फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, कट कट करके भेज देना, इसको घुमाना है पोज कर दो ना, ज़्यादा टाइट नहीं करना पड़ता, पोज कर दो कपड़े से पकड़ लो, जो ज़रूरी ज़रूरी इवेंट है उसको नहीं लगा लो, प्रेशर हो जाएगा लाने के, ये पूरा पूरा डिटेल पढ़ा देगा आपको, इसकी बता तब तक। ये जो बोल इसको क्या बोलेंगे? कैप असेंबली, क्या बोलेंगे? कैप असेंबली, ऊपर वाले को। हाँ जी, ये पूरा निकलने के बाद में ये पूरा है
कैप असेंबली, कैप असेंबली के साथ में क्या लगा है, होस पाइप, और यह ये इसका नोजल, ये नोजल कितने मीटर दूर तक जाता है, ये 6 मीटर, 6 मीटर डेट कितना जाएगा आपको, 6 मीटर, और ये सब नए टाइप के हैं तो इसका वर्किंग ड्यूरेशन भी कम है, पहले का डेढ़ से दो मिनट तक था, लेकिन इसका कम है, ये 42 सेकंड तक कंटिन्यू, अगर आपने ऑपरेट किया इसको तो 42 सेकंड तक ये चलेगा, ठीक है। हाँ अभी 120 दिखा है वो दूसरे टाइप का पुराना मॉडल, ये नए टाइप के, थोड़ा नए टाइप के, ये है इस पर डिपेंड नहीं करता, 60 ग्राम और हाँ जी 60 ग्राम लगेंगे ना इसमें, 60 वाला, हाँ 60 ग्राम ही लगेगा इसमें, ये हुआ या फोम का हुआ इसमें 60 ग्राम का ही लगेगा, खाली डीसीपी में 120 ग्राम का लगता है, अगर 9 केजी का है तो 200 ग्राम का लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे साहब, स्टीज ग्रिप या लीवर बोलिए, स्टीज ग्रिप या लीवर, ये इसके वेंट होल, ये दिख रहे हैं तीन, दिख रहे हैं आप तीन इसके वेंट होल होते हैं, इसको बोल देंगे वेंट होल, किस लिए होते हैं, वेंट वेंट होल, वेंट होल हवा के लिए, ये मान लीजिए इसके अंदर है कार्टिज पंचर हो गई, इसके अंदर एयर है, उसको निकालना है तो कभी एक साथ नहीं खोलना है इसको, इसके अंदर क्या है गैस भरी हुई है, प्रेशर बना हुआ है, एक साथ खोलोगे तो क्या है उड़ सकता है, इसको धीरे धीरे खोलना है, पहले तो रिलीज कर देना इससे, धीरे धीरे खोलना है, तो ये वेंट होल से क्या होगा, जो गैस बनी है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, वेंट होल का ये फायदा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, वेंट होल, ये क्या है वेंट होल, वेंट होल बाहर जाने वाला, वेंटिलेशन कैसे बोलते हैं, वेंटिलेशन, ये है सिफ्टर वाल, क्या बोलेंगे, इसके अंदर अगर गैस बन गई है ज़्यादा के मात्रा में, ये तो पूरा रास्ता बंद है इसका, ये भी नहीं दबा है, अगर गैस बन गई तो ये सिफ्टर वाल से क्या होगा, गैस बाहर निकलती रहेंगी, प्रेशर कुकर देखिए आपने, बस सेम वही फार्मूला है यहाँ पर, हाँ तो ये ऑटोमेटिक निकलेगी, हाँ ऑटोमेटिक रिलीज होती रहेंगी, इसका नाम है वेंट होल, ठीक है। सबसे बड़ा महत्व क्या है, ये सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन लगा कि इसको लाना है लेके जाना है, ठीक है, ऐसा खुला है लेके आए, ये गलती से दब गया तो वापस ही आए, ये क्या होगा ऑपरेट हो जाएगा, सेफ्टी पिन, हाँ लीवर लगे रहा तब तक ये नहीं चलेगा, आपको ऑपरेट करना है तो सबसे पहले सेफ्टी पिन ही निकालना पड़ेगा, सब पास का मेथड, और यहाँ पर एक सील होते हैं, जो नया नया रहता है ना, यहाँ पर एक सील रहती है, तो सील को क्या है देखिए, इस सील को पहले तोड़ना होता है, सिंपल इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं ऐसा, इसको तोड़ लेते हैं, बाद में इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। 2 गैलन पानी यानी कितना, 1 गैलन होता है 4.5 लीटर का, यानी 9 लीटर पानी होता है, इसमें कहाँ तक भरना है, यहाँ तक भरना है, यहाँ तक ये रेड ब्लेड रिबन रखा है ना, वो ये रिबन है इसकी, और दूसरा पचंदा का तरीका क्या है इसका, वाटर टाइप का है कि कौन सा है, जिसका रेड रिबन रहेगा, ये एक पट्टी रहती है, बेल्ट दिख रहा है आपको, बेल्ट इस तरह का ये बेल्ट रहेगा, तो समझने का है वाटर टाइप का है, दूसरा वाटर टाइप पहचानने का तरीका है नोजल, इसका नोजल रहेगा छोटा, ठीक है, तो ये वाटर टाइप का है, समझ गए, भर दीजिए इसके, सर इसमें काट रहे हैं, बड़ा लग जाए गलती से फट सकता है सर, नहीं बड़ा नहीं लगाना इसमें, बड़ा लग जाए नहीं लग जाए, लगाना नहीं है इसमें, 200 का भी लग जाएगा इसमें, अभी देखिए और यही है, लेकिन लगाना नहीं है, लगाना है 60 ग्राम, ये लगाना है, बनाएगी ये कि 60 ग्राम का काटी जो लंबा सर्कुलर सा है और गैसोलीन का आरा सा है, उसमें जब ब्लेड लगता मगर वो घूमता नहीं ज्यादा, सर खाती में नहीं करता, तो देखिए सिंपल है, देखिए सिंपल वाटर टाइप का, देखिए पानी भर दिया, सिंपल है पानी भर दिया, यहाँ तक ये जो ब्लेड दिख रहा है आपको, यहाँ तक 9 लीटर आ जाता है, बाकी का ओपन स्पेस रखना पड़ता है, देखिए ओपन स्पेस है, ये काय के लिए एयर का प्रेशर, एयर प्रेशर लिए तब आएगा,
दूसरा सर ये जो वाइसर दिख रही है आपको ये कटी हुई नहीं होना चाहिए ठीक है एकदम अच्छी होना चाहिए जब भी आप रिफिल करते हैं ये देखना जरूरी है ये कटा होने से क्या होगा यहाँ से ईयर अपना क्या पानी इसीलिए तो आपको सिखा रहे ना इसीलिए तो आप नहीं करना करना भी सामने जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे हैं ना आपको कार्ड ऊपर 60 डाल दिया वो नहीं डालना है इसीलिए जब तक आपको जानकारी नहीं है तब तक इसको कुछ नहीं करने का दोनों में जो भी चीज़ की आवश्यकता है गैस की उसके लिए 60 ग्राम उस टाइम के लिए सही है उस पानी को निकालने के लिए 60 ग्राम ठीक है बट पाउडर को जब निकालने के लिए 120 ग्राम लगाना पड़ेगा क्योंकि पाउडर जब निकलेगा तो उसके लिए आपको ज़्यादा एयर की ज़रूरत होगी जैसे आप झाड़ू लगाओगे तो उसके लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए आपको हल्का रहता है लेकिन इसके कान इतने छोटे छोटे होते हैं उसके कारण क्या होता है नीचे जम जाता है या ठोस हो जाता है लेकिन जो इसके अंदर साइफन ट्यूब लगा रहता है वो नीचे से पाउडर को ऊपर फेंकता है उसमें पानी को क्या है पानी को पाउडर को फेंकता है दूसरा इसको बोल सकते हैं साइफन ट्यूब साइफन ट्यूब साइफन ट्यूब इसके बारे में समझ में आया क्या आपको साइफन नहीं लगा होता एक तो ये क्या है इसको बोलेंगे क्या असेंबली क्लियर है साहब क्या असेंबली में क्या लगाता है वेंट होल वेंट होल है ये जो है मेरे हिसाब से यही तो मैंने आपको बता दिया वाल ज्यादा ना प्रेशर अगर बन गया है बाहर निकाल लेकिन दूसरा क्या है इसके अंदर अगर गैस काटिस का रहेगा तो ये ब्लैक ब्लैक रहेगा ठीक है एक बार मतलब इसके अंदर ज्यादा प्रेशर पड़ गया और ये मतलब जैसे सिलेंडर के अंदर एक बार प्रेशर निकल जाता है तो उसके बाद उसको चेंज कर लेते हैं इसके अंदर एक छर्रा होता है ये टाइट करने के लिए देखा आपने नहीं नहीं वो नहीं ये आपको जानता है ना ये तो कोई मतलब चीज लगा खोलने के लिए उसको पानी से खोलने के लिए पेचकस से खोलने के लिए ये मान लीजिए एक आधा खराब हो गया ये तो उसके अंदर एक छर्रा होता है खोल के देखना नहीं छर्रा होता है वो जैसे छर्रा ऊपर उड़ गया वो गियर को क्या करेगा रिलीज करेगा उसके लिए रहता है बार बार खोलना नहीं तो खराब हो जाता है दो साल में एक बार टेस्ट करना था एचपीटी टेस्ट एचपीटी टेस्ट दो साल में एक बार करते हैं एचपीटी हाई प्रेशर हाई प्रेशर टेस्ट एचपीटी टेस्ट बोलते हैं हमारे पास एक मशीन भी है कैसा करना उसको एक केज होता है एक केज के ऊपर सेफ्टी सेफ में रखना है उसको बाद में टेस्ट करता है ठीक है और ये 17.5 केजी का प्रेशर देते हैं फटने का चांसेस है 35 केजी पर 35 केजी के ऊपर अगर प्रेशर दिया आपने तो ये फट सकता है लेकिन उतना देना नहीं है ठीक है
जब इक्विटी टेस्ट करते हैं तो कंटिन्यू कितना है, 2 मिनट तक रखना है, बाद में उसको रिलीज कर देना है। सिलेंडर की लाइफ कितनी है? 2 साल में तो एक बार इक्विटी टेस्ट करना पड़ता है, उसमें अगर ये खराब नहीं उतरता है तो इसको कंडम कर दीजिए, ठीक है। यादव जी लावना क्या वाटर स्टोर प्रेशर एक्सटिंग्विशर है सर, इसमें भी देखिए दिख रहा है आपको, इसमें भी ये लिखा है, ये आर्टिलरी फायर के लिए, ठीक है। पहचानने का तरीका क्या है? रेड, ये रेड बेल्ट लगेगा इसमें, वी वाटर का। दूसरा अगर स्टोर प्रेशर है तो ये प्रेशर गैस लगेगा यहाँ पर, स्टोर प्रेशर है, कार्टेज नहीं इसमें, हाँ इसमें कार्टेज नहीं है, इसमें आप जो एयर रहता ना आप ट्रक में जो नेचुरल एयर ट्रक में जो एयर डालते हैं ये डाल दीजिए, नहीं तो नाइट्रोजन गैस होती है इसे पेस्टराइज करते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और ये नॉर्मल एयर जो होती है ना नेचुरल एयर करते हैं हम, पहले यहाँ पर ही करते थे इसको, यहाँ से वो एयर का पाइप लगा दीजिए, ठीक है। इसका क्या नाम? अरे लीवर को दबा दीजिए, लीवर को दबा दीजिए, 9 लीटर पानी यहाँ से भर दीजिए, पहले पिछला पे से खाली रहेगा तो इसे फुल हो गया तो यहाँ से क्या पानी निकलेगा वो बाहर की तरफ में, इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया फुल। ये प्रेशर गेज देख रहे हैं आपको, ये 10 बार के ऊपर काम करता है, ये इधर में इधर देखिए इधर में रेड है और ये हरा है, अगर हरे के ऊपर है तो वर्किंग कंडीशन में, अगर इससे ज़्यादा भी जाता है इधर में तो ये फटने की चांस होते हैं, लेकिन वो जहाँ से रिफिलिंग करके आता है ये इसके ऊपर नहीं भरते, इसका सर क्या हरे में रखते हैं। हाँ जी वाटर है, इसका नाम सिर्फ पानी है, इसके अंदर क्या स्टोर प्रेशर ही है, ये प्रेशर गेज ही है, ये देखिए ये रेड रेड सिग्नल दिए यहाँ पर रेड वाला। हाँ जी असेंबली, ये क्या है कैप असेंबली, क्या बोलते हैं आप लीवर, हम सीज ड्रिप या लीवर बोल दीजिए, समझने में आसान है। दूसरा इसमें वेंट होल होते हैं, जो 3 छेदे दिख रहे हैं आपको ये है वेंट होल, क्या काम है इसका? एयर रिलीज करने के लिए, मान लीजिए प्रेशर बना हुआ है और ये भी आपका लॉग हो गया है, इसका बोलते हैं सिटी वाल्व, सिटी करने वाल्व, इसका काम क्या काम है साहब, अगर प्रेशर अंदर बना है तो इससे धीरे धीरे रिलीज होते रहेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे सेफ्टी पिन, दूसरे जो स्प्लंजर वाले होते थे ना पहले, आपके यहाँ है क्या स्प्लंजर वाले? अभी भी है सर, अभी भी है ना, उसमें क्लिप होता था ऊपर से, क्लिप होता था सर नीचे, क्लिप को निकाल के दबाने से, और ये है पिन, पिन ठीक है सर। 60 ग्राम की, इसको आसानी से लगा देना है, और ये पिन लगा के रखना है, गलती से अगर दब गया तो यहाँ पर ये पंचर हो जाएगा, क्या आपको उड़ा देगा, ठीक है, इतनी सावधानी रखना है, इसको आराम से टाइट कर देते हैं, टाइट कर दीजिए, तैयार है, समझ में आया, कर पाओगे ऐसा भी? हाँ सर, आप डेमो करा देंगे बाद में, पहले तो समझ लेते, ठीक है, सपना कर लो बाकी डेमो तो हो जाए। ये कौन सा है, कौन सा बताया मैंने, जिसमें रेड ये स्क्वीज स्क्रिप्ट लगा है या लीवर लगा है वो कौन सा है, हमेशा स्टोर प्रेशर, इसमें भी 9 लीटर पानी भरते हैं, पहले ये 4 हम यहाँ पर ही करते थे, अभी लेकिन बाहर भेज देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा फुलने में क्या चूड़ी वगैरह चली जाती है इसके, ठीक है, बराबर रिंस लगता नहीं है तो इसको बाहर भेज देते हैं, क्या करते थे
पाइप को लगाया, एयर पाइप को लीवर को दबा के रखा, 9 लीटर पानी भर दिया, एयर गई यहाँ पर, फिर जैसे एयर फुल हो गई तो अपने आप पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता, ये लीवर को ऊपर उठा दिया। तो ये कितने बार तक होना चाहिए? तो 10 बार तक। ये देखिए ग्रीन पे है ना, अभी ग्रीन पे है तो पूरा है, अगर ये ग्रीन की इधर गया तो खतरा है, ज्यादा हो गया, खतरा है, यानी ज्यादा भरा है ये, ठीक है। रेड में है तो खाली है, जब भी चलाना है इसको तो ये ग्रीन टीशर केस देख लेना है ग्रीन पे है कि किस में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रखे रखे ये प्रेशर कम भी हो जाता है, ठीक है सर, है ना, वैसे ही इसका है साहब, कोई फर्क नहीं है। खुल गया इसको, फोम का मैकेनिकल फोम बोलते हैं इसको, ये देखिए पूरा लिखा होगा किसमें, कौन से आग के लिए चलेगा ये, ये और बी के लिए। खाली एक्स्ट्रा क्या भरा है इसमें, फोम, ये करीब करीब आधा लीटर, 555 ml रहता है, कितना ml 500, इसमें रहता है ये ट्रिपल एफ, साहब ने क्लासेस बढ़ाए हैं आपको, ये ट्रिपल एफ किसको बोलते हैं, फार्मिंग फोम, तो इसके अंदर है, देखिए पास कर दीजिए, लिक्विड है साथ ही, पानी के साथ मिलके ये खाली मार्केट से लाना पड़ता है, ठीक है। साढ़े 8 लीटर पानी और आधा लीटर होम लिक्विड वाला, कलर कोड है ये, इसे पीली पट्टी लगी है साहब, इसमें पीली पट्टी लगेंगी, होम मैकेनिकल फॉर्म है, पहले केमिकल फॉर्म था लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या वो निकाल दिया, उसमें एसिड वगैरह भरते थे सर पहले, हम लोग यहाँ पर ही रिफिल करते थे, वो निकाल दिया, अभी ये आया, इसमें सिंपल है, वो उसको कोई हानिकारक नहीं है, खाली 8.5 लीटर पानी डाल दीजिए, आधा लीटर वो डाल दीजिए और इसको गैस कार्टिज लगा दीजिए, चलने के लिए तैयार, ठीक है। गैस कार्टिज इसमें 60 ग्राम केमिकल फॉर्म में क्या आ रहा था सर अंदर, वो सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल वगैरह डालते थे पहले, वो निकाल दिया है। यहाँ पर एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, फोम बनता कैसे, ये तो पानी है, यहाँ पर पानी यहाँ तक आता है साहब, फिर एयर को क्या करता है, सक करता है वो, कहाँ पर ये होल दिखे आपने, यहाँ पर होल दिख रहे हैं, हाँ सर, मिक्सिंग चैम्बर बनता है, एकदम छोटी सी होती है, वो मिल नहीं रही हमको मार्केट में, ये और बी के लिए, जो तेल की आग होती है, ठीक है, ऑयल की आग होती है उसके लिए चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में कोई डाउट है साहब, रिफिलिंग के बारे में? नो सर, ये भी वही है, खाली स्टोरेज निकल गई है, सेम वही है, खाली स्टोरेज का चेंजिंग, अगर आप CO2 कैटरेज चलाते हो, होम भी डाला इसमें, लेकिन क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, फॉर्म नहीं बढ़ेगा, फॉर्म नहीं बनेगा, पानी निकलेगा, अगर ये ब्रांच लगा देते हैं, नहीं लगाएंगे तब तो फॉर्म नहीं बढ़ेगा, ठीक है, अच्छा एयर सक नहीं करेगा, हाँ ये देखिए मल्टीपर्पज है, ठीक है, किताब में आग लग गई मान लीजिए, कंप्यूटर में आग लग गई है, आप इसको आराम से यूज करिए, जहाँ आप नहीं पहुँच पाते आसानी से, गैस और जगह पहुँच जाएंगे, ठीक है, आराम, ठीक है, ऐसा आवाज आएगा इसमें, और इसमें टाइट होता है, लूज हो गया, और ये सेफ्टी पिन भी रहती साहब, ये जिस एंगल में आप उसको घुमा दोगे ना उसी एंगल में रहेगा, फिर हैंडल पकड़ के ही आपको यूज करना होगा, तो सेफ्टी पिन रहेंगी गाड़ियों में, तो यही लगा होता है गाड़ी में, कई मॉल में फ्यूल में आजकल यही है, ये डीसीपी लगा होता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपर्पज है, ये भी थोड़ा मल्टीपर्पज ही है, छोटी मोटी आग अगर लग गई कपड़े की या कागज की, तो ये चला भी सकते हैं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये तो मल्टीपर्पज है, ये यहाँ पर रिफिल और थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, महंगा होता है, ये 2 kg का है, ठीक है, एक होता 4.5 kg का, लेकिन ये वर्किंग ड्यूरेशन बहुत कम है इसका, शायद 12-13 सेकंड है इसका, कंटिन्यू आप चलाते हो
12-13 सेकंड चलेगा और 20 सेकंड 22 सेकंड वो चलेगा 4.5 kg वाला। दूसरा आप इसको तेल के लिए आग के भी यूज कर सकते हैं, लगा दीजिए जो छोटी मोटी फायर हो गई इसको भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये बी और सी लिखा ना, ये के लिए नहीं चलेगा, लेकिन अगर किताब किताब में आग लगती तो आप कर दो। हाँ नहीं है तो कौन से कौन से मेथड से काम करता है, कोई नहीं है कौन सा कौन सा मेथड से काम करेगा है, बुथरिंग मेथड, हवा का ऑक्सीजन जो है कटअप कर देगा, कटअप कर देगा। दूसरा है क्या करेगा, कूल भी करेगा, हो जाएगा CO2 क्या होती है ठंडा कर देगा, ठंडी नहीं दी ठीक है। ठीक है साहब, ये कैरी हैंडल है, ये व्हील है, खोलिए बंद कर दीजिए आसान है बिल्कुल सर। ये हॉर्न है और यहाँ पर अभी इसमें नहीं है, बड़ा वाला हैंडल है, बड़ा में देखिए हैंडल होता है, साफ बताए थे हैंडल होना चाहिए। चलाने के लिए ये 4.5 kg ना, ये 4.5 kg के सर, ये सर स्टोरेज टाइप रहते हैं ना सर, ये स्टोरेज टाइप, इसमें मीटर नहीं है सर, इसमें मीटर नहीं सर, ये पक्का ग्रीन पे होगा ये। हाँ जी कोई मीटर नहीं, कोई मीटर नहीं, ग्रीन मान लिया जाए मतलब इसमें मतलब नहीं, ये ब्लैक होता है सर, ये पकड़ा मतलब जैसे स्टोरेज टाइप में मीटर होता है सर, उसमें ग्रीन हम चेक करते हैं, इसको बाहर से चेक करने को चेक किया जाता है सर, वजन का ये आपको ये भरा है कार्बन डाइऑक्साइड ये देखिए सर, ये अगर आप उठाते हो तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि भरा है कि खाली है, ठीक है। 10% अगर कम है इसके 4.5 kg है और 10% निकाल लीजिए कम है तो यूज नहीं करना है फायर के ऊपर में सर। इसको हम बारी बारी यूज कर सकते हैं, हाँ कभी जरूरत पड़ा थोड़ा देर के लिए यूज किया तो बंद करके फिर रख सकते हैं, फिर कभी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया तो खत्म हो गया, कभी भी यूज कर। टाइमिंग क्या है इसकी सर, टाइमिंग 22 सेकंड में खत्म हो जाएगा, उस सेकंड में कंटिन्यू नहीं, पूरा सेकंड यूज किया बंद कर दो, कितने देर चलेगा मैं बता, मेरे पास है कैमरा, तो ये इसका कैरिंग हैंडल है सर, यहाँ पर ये ज्यादा है 4 या 5 feet, यहाँ आग लगी है तो एकदम पास से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जेट नहीं जाएगा, गैस है, उधर ही वातावरण मिल जाएंगी, इसका असर नहीं होगा। अगर पास में है फायर पास में लगी है तो इसको यूज कीजिए, अब यहाँ वहाँ आग लगी है 4-5 meter दूरी पे, आप यहाँ से नहीं कर सकते इसको, स्वीप करता है, झाड़ू मारते हैं झाड़ू, इस तरीके चलाना है, चलाने का तरीका ये है, बाएं पैर आगे निकाल लिए, दाहिना पैर को टाइट कीजिए एकदम, ठीक है। आप ऐसे चलाओगे तो क्या होगा, प्रेशर आएगा, आप गिर सकते हो, किसी के ऊपर गिर सकते हो, बाएं पैर आगे दाहिना पैर पीछे, बाएं हाथ में ही लीजिए, हाथ से खुलिए और आराम से इसको स्वीप कीजिए, फ्री भाई यहाँ पर बाएं पैर में और दाहिना पैर का क्या है सपोर्ट है, ठीक है। किसका नाम है CO2 एक्सटिंग्विशर, ये डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर, इसमें सिर्फ पाउडर होता है सर, ठीक है। कौन से आग के लिए जलता है, बी और सी, ठीक है। ये एस्टिमेटर आता है कि वो ए बी सी पे जलता है, जैसे कि वो उसके बारे में बताऊंगा मैं, इसको मोनो अमोनियम फॉस्फेट रहता है, उसमें क्या रहता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट रहते हैं, तीनों गैस के ऊपर चलेगा ये तीनों के लिए, लेकिन ये बी और सी के ऊपर चलेगा। और मान लीजिए छोटी सी आग है, लकड़ी की आग है, तो इसके ऊपर चला सकते हैं, लेकिन उतना ही, अगर पानी वाला है तो पानी वाला चलाइए, अगर नहीं है आपके पास में तो इसको चला सकते हैं, लेकिन जितना इफेक्टिव होना चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं, एक क्लास में नहीं होगा ये, ठीक है। ये कितने केजी का है, ये 4 kg में आता है और एक 6 kg में आता है, 10 kg में आता है, 9 kg में आता है, बी और सी में चलता ना, ये 6 kg का है साहब, 6 kg क्या है, इसमें पाउडर डाला जाएगा, 6 kg पाउडर
यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक छेकी जाएगा और गैस काटी। चलो कौन सी लेंगी इसमें? 120 ग्राम, 6 और 8 के लिए, 6 और 4 के लिए 120 ग्राम। अगर 9 के जी का है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम सिंपल तरीका है, पाउडर डाल लेगा तो देख लीजिए, देखा तो 40 ले लीजिए, देख लीजिए इसके अंदर में तो वही पाउडर है सर, डीसीपी पाउडर, डीसीपी दो तीन पाउडर मिक्स रहता है इसमें, ठीक है, नहीं नहीं इसमें नहीं, उसमें रहता सर मोनोअमोनियम सल्फेट, एबीसी में सर ये कितनी की ऊपर जब ये पड़ेगा ना फिर वो जलेगा, खुद ही जल जाए। हाँ सर, इस वजह से इसको ए पर यूज नहीं करते, नहीं करते, जबकि अमोनियम जो फॉस्फेट है उसमें मोनोअमोनियम फॉस्फेट और सल्फेट जो मिक्स होता है नहीं जलता, ठीक है, इतना से तीन चार पाउडर रहते हैं, तेलगम पाउडर रहता है 1%, सोडियम में कार्बोनेट रहते हैं, पाउडर रहता है और इसमें कार्बन इसका देखिए ये जो बेल्ट होगा कौन सा होगा सर, ये कौन सा कलर है? ब्लू कलर होगा, बेल्ट रहेगा तो मान लीजिए वो डीसीपी है। दूसरा पहचानने का तरीका स्टोर प्रेशर का, ये ब्लैक है तो कार्टिज वाला है। दूसरा इसका नोजल देखिए, सब नोजल से अलग है, इसका नोजल सबसे अलग है, ठीक है, कम से कम ये 3 मीटर दूर तक आप इससे फायर कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ एक पिन इसका क्या काम है? कौन सा? साइपन 2 पे सर, ये जो कार्टिज ये वाली ना पंचर होती ना, ये पाउडर है ना, एक्चुअल पाउडर है, एक टीचर ट्यूब नीचे बैठा होता है, जब ऊपर से उसका क्या होगा तब भी नीचे भी रह जाएगा ना, ये जो गैस का जो प्रेशर है वो पाउडर के बीच में छोड़ता है, पाउडर के बीच में छोड़ता है तो पाउडर क्या होगा कि वो थोड़ा सा अपनी जगह को छोड़ देगा, मतलब फोम टाइप में आ जाएगा, फिर जो ऊपर का प्रेशर आएगा क्योंकि गैस क्या होती है हल्की है तो ऊपर जाएगी और पाउडर नीचे आएगा तो फिर उस ट्यूब के सहारे क्या होगा बाहर आ जाएगा। जो पतला वाला है ना गैस जो रिलीज होगी, रिलीज ऊपर ना होके वो नीचे रिलीज होगी, उड़ाएगा सर ऐसे ऊपर उड़ाएगा, खाली है नहीं, वजन तो है, बिगर वजन पचा सकते हैं, इधर दिखाओ सर, थोड़ा इसमें क्या है, वजन करना जरूरी है, ये भरा हुआ सर? हाँ जी भरा, ये भरा हुआ है, एक बार आपने स्टैगर दबा दिया, स्टैगर दबा दिया तो आप ये फुल है, एम्प्टी है, इसका ये पूरा चेंज कर देते हैं सर, इसका जब इसको फिल कर देंगे, कर देगा उस टाइम बता देगा सर, नहीं निकलेगा लीवर दबाओगे तभी पाउडर निकलेगा, फुल लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे इन्होंने बचाने के लिए क्या बताया था कि ऑलरेडी सेफ्टी बल्ब लगा हुआ, हाँ सर लगा हुआ है ना, हाँ। तो सर प्रेशर क्या हो जाए धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा, फिर दोबारा आप चाहो कि इसको यूज कर लें तो काम कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, उस दिन के बाद अगर रखे रखे स्टोर में वो अपने आप ऑटोमेटिक काम करता है। अब ये ढीला हो गया, अगर आप ढीला नहीं करते तो ये साइपन टूट क्या अंदर जाएगी नहीं, जाएगी नहीं, वो टूट सकती है, ठीक है, अब देखिए आशा लेके चली जाएगी, ये इसको लगा दीजिए, जाम तो नहीं है, अगर जाम है तो तार वगैरह ले लीजिए, उसको अच्छे से साफ कीजिए, बाद में चलाइए, इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है, ठीक है, वही सेम चीज़ है, खाली कार्ट्रिज का मेरे ख्याल से 4 केजी वाला होगा, इसमें कार्ट्रिज नहीं है, इसमें कार्ट्रिज नहीं है, 4 केजी वाला है।